पैनिक अटैक सेल्फ हिप्नोटिज्म से ठीक हुआ, इसके बारे में मैं आज एक आपको पेशेंट स्टोरी बता रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक लड़का मेरे पास में आया 27-28 साल का, और उसको प्रॉब्लम है कि उसको बार बार बहुत पैनिक अटैक आ जाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक अटैक। उसको ऐसा लगता है कि मैं तो अभी मर ही जाऊंगा। वो अटैक 10 से 15 मिनट तक चलता है, सीने में धड़कन, बहुत तेज धड़कन हो जाती है, हाथ कपकपाना, पसीना आ जाना, बेचैनी होना, इधर से उधर जाना, इतना डर उसको, इतनी बेचैनी हो जाती है कि इधर से उधर भाग लेगा वो, किसको तो भी पकड़ लेगा। उस वक्त कि अभी मैं मर जाऊंगा, उस वक्त कि भी अटैक आ जाएगा, अटैक आके तो मैं तो उसको, फिर वो एम्बुलेंस को फ़ोन करेगा, कोई एम्बुलेंस बुला लेगा, कोई हॉस्पिटल की तरफ किसको तो बोलेगा मुझे ले चलो, वहाँ एडमिट कर दो, इतना ज़्यादा। और वो हफ्ते में एक बार, दो हफ्ते में एक बार ऐसा आता है। अभी सब ये जब मेरे पास में आया तो उसको सब पूरी टेस्ट उसकी करवा लिया, तो सभी टेस्ट, मतलब ECG है, इकोकार्डियोग्राफी है, सभी टेस्ट नॉर्मल कर लिया, मतलब ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट, सब टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी उसको अटैक तो आ ही रहे। फिर जब अटैक आ रहे तो भी उसका सोर्स देखा कि भाई क्यों अटैक आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया क्या, तो भी कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ तो बचपन में हुआ था और स्कूल में उसको उसके टीचर ने बहुत डांटा और फिर वो बहुत जोर के झापड़ मार दिया था, और झापड़ मार दिया उसने वहाँ पेशाब कर दिया, मतलब क्लास में पेशाब कर दिया। पेशाब करने के बाद में सब हंसने लगे, सब डर गए थे बच्चे, ये भी इतना डर गया कि उसने फिर स्कूल जाना ही छोड़ दिया, स्कूल जाना छोड़ दिया। फिर बड़े मुश्किल से उसको पिताजी ने समझाया, फिर मास्टर जी को मिले उसके पेरेंट्स, मास्टर जी को एक्शन लिया उसके ऊपर कि इतना कैसा मार लिया आपने, और फिर वो स्कूल में बाद में जाने लगा। मगर ये डर बैठ गया कि अभी कुछ तो भी हो जाएगा, लोग हंस रहे हैं, मुझे कुछ तो भी हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, ऐसा उसको तब से दहशत बढ़ गई। धीरे धीरे बढ़ते 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 अभी यहाँ तक आ गए कि अभी उसको जीना भी मुश्किल हो गया। उसको मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दवा देता हूँ। बोले नहीं, मेरे को दवा होना ही नहीं है, और दवाई के काफ़ी साइड इफेक्ट होते हैं, और मुझे दवाई बिना दवाई का अच्छा करो, मैंने आपका हिप्नोटिज्म का सुना है, मुझे हिप्नोथेरेपी दो। फिर मैंने बोला ठीक है, उसको मैंने रिलैक्सेशन के सेशन दिए, पहले उसको सुला के पहले रिलैक्सेशन किया, उसको सिखाया कि भाई रिलैक्स कैसे होते, पूरी बॉडी कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, मतलब सिर से लेके अंगूठे तक, पैर के अंगूठे तक कैसा पूरा रिलैक्स कर सकते हैं, इतना रिलैक्स। और वो रिलैक्स हिप्नोथेरेपी के सेशन में उसको करवा के फिर उसको मैंने बताया कि अभी ठीक है, अभी आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि आप हर जगह घूम रहे हैं, आपको ऐसा धड़कन जैसा महसूस हो रहा है, मगर आप तभी भी रिलैक्स है। विचार करो कि ऐसा जो अटैक आ रहा है और वह अटैक आ गया, तभी भी आप रिलैक्स है। जैसे सोचो कोई पीछे जो अटैक आ गया, तो सोचो उसके बारे में कैसा अटैक आ गया, धड़कन हो गई और घबराहट हो रही है, और तभी भी आप रिलैक्स हो, रिलैक्स होने के बाद में वो अटैक जो है वो नष्ट हो गया, वो खलास हो गया, वो एबॉर्ट हो गया। मतलब अटैक आ रहा है वो सोचना और इधर रिलैक्स रहना, अटैक आ गया वो सोचना, एकदम रिलैक्स रखना खुद को, और रिलैक्स ही रखने का है, और विजुअलाइज ऐसा करना कि आपको तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही विजुअलाइज करना, फिर रिलैक्स करना, और आत्मसुझाव देना कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मेरा हार्ट एकदम ठीक है, मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ, ऐसे उसको पॉजिटिव अफर्मेशन भी मैंने लिख दिए। वो उसको करने के लिए बोला विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन टेक्निक और पूरा रिलैक्सेशन टेक्निक। ये 21 दिन तक वो मेरे पास में था, 21 डेज, रोज मैं सवेरे शाम उसको टेक्निक करवा रहा हूँ। उसको फिर मैंने मेरी कैसेट दिया, वीडियो का मैंने एक उसको दिया, एक वीडियो दिया जिसमें मैंने उसको पूरी प्रक्रिया उसके लिए तैयार करके, और वो जो है वीडियो ऑडियो, वो ऑडियो सुन रहा था, और वो ऑडियो सुन के वो रोज़ प्रैक्टिस 4-4 बार कर रहा है। 21 दिन बाद उसको बहुत फर्क पड़ गया, धीरे धीरे फर्क पड़ जाएगा, 21 दिन में तो एकदम पूरा अच्छे हो गया। बोले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ये हुआ क्या, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का एक तरह से प्रोग्रामिंग हो चुका था, वो प्रोग्रामिंग हमने रीप्रोग्रामिंग किया, अभी हिप्नोटिज्म से रीप्रोग्राम किया, और रीप्रोग्राम करके अभी नए पैटर्न्स, ब्रेन पैटर्न्स अभी तैयार किए, बात करके अफर्मेशंस करके सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग किया, नए ब्रेन पैटर्न्स तैयार किए, और उससे अभी उसको अच्छा लगने लगा। होता क्या है कि वो जो ब्रेन पैटर्न पहले वाले थे, थोड़ा भी कुछ तो भी रिएक्शन आ गए, मतलब कुछ स्टिमुलस आ गया तो इसकी रिएक्शन होती, कोई स्टिमुलस आ गया तो रिएक्शन होती थी, पता नहीं कुछ भी स्टिमुलस आ गया तो उसको डर लगता था कि भाई अटैक आ जाएगा और मर जाऊंगा। तो उसमें वो जो पैनिक अटैक्स थे वो ये डिसेंसिटाइजेशन हमने किया, विजुअलाइजेशन में, आत्म सुझाव में, रिलैक्सेशन में, ऐसे पूरे तरीके टेक्निक पूरे अपना के वो पूरा ठीक हो गया। मैंने बोला अभी आपको 4 से 6 महीने रोज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से रिलैप्स हो जाएगा। बोले ठीक है मैं करता हूँ, और वो मेरे यहाँ से निकल गया। तो
ये वीडियो आप काफ़ी लोगों को शेयर करो, ताकि जिनको जिनको भी ये पैनिक अटैक का प्रॉब्लम है, और वो काफ़ी लोग हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।